लेटेस्ट ट्रिक वीडियो देखने के लिए टेक्निकल मिथिलेश को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नमस्ते दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिथिलेश में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए फेसबुक पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इसी बात की जानकारी दूंगा, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको करना है क्या, पहले अपना जो है फेसबुक ऐप को ओपन कीजिए। जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको राइट साइड में आपको लास्ट में मतलब आपको राइट साइड से फर्स्ट पे ही मिल जाएगा आपको मैसेज के नीचे ऑप्शन मेन्यू का। मेन्यू पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे कि मैंने 4 पेज बना रखे हैं, तो अब मैं एक नया पेज क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट पेज, इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट स्टार्ट शुरुआत करें, इस पर आपको करना है क्लिक। यहाँ पे अपना जो पेज नेम है वो यहाँ पे आप उसको एंटर कर दीजिए। जैसे कि दोस्तों मैंने अपने पेज का नाम डाल दिया है, तो अब इसके बाद करना क्या है दोस्तों, आपको इस पर कर देना है क्लिक। और यहाँ पे जो है आप चाहे तो प्रोडक्ट जो भी आप सर्विस देना चाहते हैं तो यहाँ पे इनेबल कर दीजिए। जैसे कि देख सकते हैं आई वॉन्ट टू यूज दिस पेज टू सेल प्रोडक्ट और प्रोवाइड सर्विस, तो आप यहाँ से इसे ऑन कर सकते हैं। तो मैं किसी तरह का प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको करना है कैटेगरी सेलेक्ट। तो जैसे कि मैं कर लेता हूँ वेबसाइट और ब्लॉग्स। उसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। चलिए इसमें से कर लेते हैं। हमने कर लिया सेलेक्ट। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों, अगर यहाँ पे आपका कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे आप वेबसाइट एंटर कर सकते हैं, वरना दोस्तों यहाँ पे जो है आप डायरेक्ट यहाँ पे आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना जो भी आप लोगो लगाना चाहते हैं वो लोगो लगा दीजिए। तो चलिए मैं अपना लोगो लगा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने अपना लोगो सेलेक्ट कर लिया है, तो अब मैं इसे सेट कर दूंगा और सेव पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों, जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो है मेरा लोगो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अपलोडिंग, अभी जो हमारा लोगो अपलोड हो चुका है, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना बैकग्राउंड जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए। मैं अभी फिलहाल के लिए इसे ब्लैंक छोड़ दूंगा। तो उसके बाद हमें करना क्या है, इसे हमें आप विजिट पेज इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका पेज है क्रिएट हो चुका है। जैसे कि देख सकते हैं कंप्यूटर एंड इंटरनेट वेबसाइट मिथिलेश टेक्निकल मिथिलेश, तो ये जो हमारे पेज का नाम हो चुका है, हमने लोगो सेट कर लिया है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अपने न्यू पेज को अपने फेसबुक पे न्यू पेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कहें। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिथिलेश पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिथिलेश को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।